दोस्तों आज का वीडियो अंत तक के देखना क्योंकि आपका सपोर्ट इस बच्ची को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्टेस्ट है। आपका एक लाइक बच्ची को विजेता बना सकता है। अब आपका विजेता बनाना आपके हाथ में है। हेलो अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गायत्री पारदी। टुडे आई टेल अबाउट सम इन्फॉर्मेशन ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट व्हाट इज मीन बाय ग्रीन हाउस। सो ग्रीन हाउस मीन्स एक कांच का हाउस रहता है, एक ग्लास का चैम्बर रहता है जिसमें हम प्लांट्स उगाते हैं, और वो जो चैम्बर होता है उसमें सन की रेस पेनिट्रेट होके जब अंदर जाती है, वो सन अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जब बाहर निकलने को जाती है, तब ग्लास के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती, और उसी के कारण वो हीट रेस के कारण, सन रेस के कारण हमारे जो चैम्बर का, ग्लास के चैम्बर का जो एटमोसफियर होता है, टेम्परेचर होता है, वो वार्म हो जाता है, और उसी के कारण हमारे जो प्लांट्स रहते हैं उनको वो हेल्पफुल होता है। सो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। मेनली ग्रीन हाउस जो ये टेक्निक रहती है वो उस कंट्री में यूज़ की जाती है जिस कंट्री का टेम्परेचर कोल्ड हो। फॉर प्लांट्स उगाने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल हमारा जो सन रहता है वो हमारे अर्थ के तरफ सन रेज इंसिडेंट करता है, और कुछ जो सनरेज रहती है वो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ उनसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चले जाती है। सो जो हमारे अर्थ के आउटर सरफेस में जो थ्री गैसेस होती है, नाइट्रोजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये उन्हें एब्जॉर्ब करके अर्थ के एटमोसफियर में इमिटेट कर देती है, और उसी के कारण हमारे जो अर्थ का जो एटमोसफियर है वो वार्म हो जाता है, और वो हमारे अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने वाले जो प्लांट्स रहते हैं और ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनको वो हेल्पफुल होता है। सो इसी को, थ्री गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। थैंक यू।